दुआ बरए ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीयकल हुज्जते इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाईही फ़ी हाज़िहि सआते व फ़ी कुल्ली सआत मिन सआति लैलि वन नहार वलीयम व हाफिज़ा व काइदम व नासिरा व दलीलम व आईना हता तुस्किनहू वरज़का तवन व तुमतेहू फ़िया तवीला। या रब मोहम्मद आल मोहम्मद इलाहुल आलमीन अल्लाह इज़्ज़त आल मोहम्मद सदका बानियान दी सफ़े अज़ा कबूल फरमा। मालिक इन्हें दी तौफीकात इजाफा फरमा। रिज़्क़ के हलाल वुसअत इनायत फरमा। हवाइज शरी पूरे फरमा। जितने इन्हां दे मरहूमीन इन मालिक उन्हां नूं करवट करवट जन्नत नहीं मता फरमा। मालिक इन्हां नूं नाल भेरावां पुत्रा दे हमेशा आबादो सलामत फरमा। भाई तनवीर अब्बास दी तौफीकात च इज्जत बख्त च मालिक इजाफा फरमा। जितने आए बैठे मालिक तेरे हुसैन दा दरबार है जोलियां भर के अता फरमा। परदे आले वारिस दे जहूर च ताजील फरमा। रब सल्ले अला मोहम्मद आले मोहम्मद व अजल फरजहुम। नारे तकबीर। मालिक हकीकी दा नाम है ऊंचा नाम चाहो। नारे तकबीर। नारे रिसालत। नारे रिसालत। नारे हैदरी। खत्मे कुरान दा सवाब हथ बुलंद करके हैदरी। हुसैनियत। हुसैनियत। यजीदियत। मोहम्मद वाले मोहम्मद दुश्मन तलानत। इबादत करो ऊंचे आवाज नाल सलवात। घरे बानी दी हैसीयत है ज़्यादा पढ़ने ही नहीं। इंतहाई वाजिब उल एहतराम शख्सियत मेंबर ते तशरीफ़ फरमाए। बुजुर्गां हदीस किसा पढ़ी है तो मेरा दिल जो एक जुमला मैं हदीस किसा ते आख दें। तवज्जो है जनाब दी। कसरत नाल ज़ाकिरीन उज़ाम सादात ते उज़ाम तशरीफ़ फरमाए। उन्होंने मौजूदगी पढ़ना सादत समझना। भाई जन हदीस है के साह का मतलब है चादर अली कहानी। बोलो तो सही। हैदरी जरा मैंने वक्त हुक्म किया गया उस पढ़ सा मैं इंशाल्लाह जिंदगी दराज हो गए। अच्छा रिसालत माब मुहम्मद मुस्तफ़ा इंतहाई तवज्जो का तलबगार है। रिसालत माब मुहम्मद मुस्तफ़ा जैगम अब्बास कायनात नबी तो वड्डा आदिल कोई नहीं। तवज्जो है जी। नबी तो वड्डा आदिल नबी इस कायनात है कोई ना। ना कोई इंसान साढ़े आम इंसान साढ़े नबी तो वड्डा आदिल है। ना कोई अंबिया दी सफ़ च नबी हो जाए जेड़ा साढ़े नबी दी अदालत का मुकाबला कर सकता होवे। तवज्जो मेरे आले पासे उसी तो मैं जुमला आखसा। भाई जन कोई जुमले दे जाए होवन दा दूर दूर तक इमकान कोई नहीं। तोड़े थोड़े बैठन सियाने दाना तजीरक से रेंद पे पढ़दा। भाई जन एडा आदिल नबी जो आई 9, 11 या 13 घर ही छोड़ के ये सारा शहर ही छोड़ के मौलवी साहब को पूछण वाली गल है एडे आदिल नबी सारा शहर छोड़ के चादर सिर्फ पंजा ते क्यों पाई है। हाय हाय हैदरी। भाई फखर अब्बास आलमणी भाई आदल न भई है एक किसाल चादर सिर्फ पंजा ते क्यों पाई है। एक मिसाल देके ताले बे दुआ पे होना। भाई जन 2 लाख रुपए मालियत दी किताब होवे ना उस ते कदाई कहीं गिलाफ नहीं चढ़ाया। तवज्जो अलमारी दी जीनत थे चांदी दे वर्कन सोने दे हरफन गिलाफ नहीं चढ़ाया ना बोसा दिते। तवज्जो है जनाब दी। मार मजर अब्बास कुरान करीम 50 साल पुराने वर्क बुरदन पढ़न दे काबिल नहीं गिलाफ ही चढ़ाए बोसा ही दिता है इज्जत आले मकाम ते ही रखे। जागो तो सही शमसी को जाखना चाहता है दारी। भाई गिलाफ ही चढ़ाया बोसा ही दिता इज्जत आले मकाम ते ही रखे। बंदा कोल खड़ाई उसके शाहजी किताब कीमती ओ आई चांदी दे वर्कन सोने दे हरफन सोनी ज्यादी आई उसते गिलाफ नहीं चढ़ाया। इसते गिलाफ क्यों चढ़ाया मैं क्या अकल कर ओ बंदे दा कलाम है ओ रहमान दा कलाम है दरी।
अगर थोड़े अजान तैयार हो गए तो मैं नतीजे देना चाहता हूँ बंदे का कलाम है और रहमान का कलाम है। अगर तेरी गल समझ च आ वे तो ये इन्ना माली दहलीज का नौकर समझावना चाहते हैं भाई रसूल खुदा ही सारा शहर छोड़ के सिर्फ इन्हों के उत्ते चादर का गिलाफ पा के जमाने दसिए लोगो जेड़े चादर तू बाहर वो बंद बनाए हुए न जेड़े अंदर हैं वह अल्लाह ने बनाया। अल्लाह हू अकबर या रसूल अल्लाह या अली आवाज बुलंद कर सलवा अल्लाहुम्मा सल्ला क्या बात है। पत्थर मारण वाले थक पाए मालिक अजर देवे बस एक वैण करना ज्यादा नहीं मैं के पत्थर मारण वाले थक पाए ते न थकी और शरीफ जादिया जिन्हों की माँ का जनाजा आधी रात में उठ मालिक सफे अदा कबूल फरमावे जी मैं नौकर हाँ मैं के पत्थर मारन वाले थक पे न वो थकी शरीफ जादिया जड़िया अपने नाने दे रोजे ते आधी रात में वेंदियां जिंदगी हो भी भाई मिंबर ते लफ्ज पढ़िया वेंदे आवाज आंदी पे हो सी मेरी जनाब तक बुजुर्गो भाई आओ मिंबर ते लफ्ज पढ़ींदे जो दाइयां मुसल्ले तक ले वेंदियां मैं नफी नहीं करेंदा अपना ईमान ते अकीदा दसना चाहना मेरे अकीदे मुताबिक ये वजह ना ही जो अली दियां धीआं दाइयां दे सहारे दियां मोहताज आएन नहीं नहीं बाहरों दाइयां टुरे ना दरम्यान च अली दियां इज्जतदार धीआं दाइयां दे पर्दे च दाइयां दे हाल च अपने वेहड़े च हुजरे तो मुसल्ले तक इस वास्ते वेंदियां जो वेहड़े च टुरदा ही सानू बाबा ना वेखे शाला बचदा रहे बाबे दे मालिक दरजात बुलंद फरमावे मालिक करवट करवट जन्नत नहीं मिनत फरमावे मास्टर साहब दे मालिक दरजात बुलंद फरमावे अली दियां धीआं दाइयां दे पर्दे च इस वास्ते टुरदियां जो वेहड़े च टुरदा सानू वीर ना वेखे शाला तुसा वसदे रहो शरीफ आजादा रहो आखिरी लफ्ज ते वैन पिया करेंदा दरबार आई मुसलमाना दा जड़ियाँ आवन आलियां ओह नबी दियां धीआं ते मुसलमाना नू भाई फखर एहसान याद आए रसूल दे कलमा पढ़ाया जले पता लगा मुसलमाना नू जो अली ओ नबी दियां धीआं सड़े दरबार च आईन एडी इज्जत कीती ने ढेर सारे कुरान एक खिलाफ च पाबंद चकी शाला तुसा वस्ते रहो बड़ी मकबूल मजलिस है मालिक अजरे अजीम कसीर इनायत फरमावे ढेर सारे कुरान एक गिलाफ च पबन चकी तने साहेब किताब लिख दे एक बीबी उठे आ सतारा नु नाल उठीवना पौंदा है तेरे जोड़ वजन दा सदके में वेण करे ना फूफी दे दामन दे नाल चार सालन दी बतूल जंदा सन छोटा ते दुख ढेर माल तेरे दिल दी आस बुझावे दिया पुत्रा नाल ढेर प्यारी आउंदी ना शरीफ आजादा रहो कह कह ले फूफियां दे बद्दे होए हाथ वेदी कह ले वीर दी रत भरी दहाड़ी कह कह ले वतन आले पासे मुंह करके आदी सुगरा बहन तेरा चंगा मुकद्दर है तू अकबर नु वतन तो टुरदिया डिठा सात साल तेरी कमर झुक गई मैं उजड़ी दा हौसला वेख मैं अकबर दे कातला नाल कदी उस बाजार जी भाई मैं हजार दफा पढ़दा रहा लख दफा बाबा नौकर हाँ मैं अकबर जी जी बाबा नौकर हाँ अकबर दे कातला नाल कदी उस बाजार कदी उस दरबार बस भाई मुकामा वक्त है कोई ना कातिल इनाम तुरसते पेन चुप करके वे दियां खड़ियां मकतूल दियां बहना मकतूल दियां नियां बुजुर्ग जाकरीन मुतकदमीन इंजे पढ़ते हैं यो कमीना सामने आए जय हुसैन द यूसुफ तुदीन छुड़ाई इनाम मिले जमीन ते सट के दे इनाम घाटे जुल्म वडे ओ शरीफ आजादा रहो तख्त अल कमीना बकवास करके दे इनाम जो नहीं लेंदा दस तो सही केड़ा वड्डा जुल्म की थी जेड़ा जालिम ते जाबे रही मिट्टी ते बह क्या द बैठे नरवा उस जवान तुजीन छुड़ाइए जेंदी लाश ते आवन दे बाद अकबर दा बाबा खड़ नहीं सकदा मिट्टी ते जान पौंदा ही अखी ते हाथ रख्या दई बोल ज़ईफ बाबे नु राह नहीं लभदा आखिर बहन जो आई बिराद कातिल नु डिठे सुरसदा ते इनाम सटेंदा टुरदी होई उस जाते आ खड़िए जे
ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਮਾਮ ਰਤ ਖੜਾ ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਲੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਵੀਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਲਪਏ ਦਾਮਨ ਲੁਚਕੀ ਆਈ ਬਾਕਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬਾਬੇ ਔਖਾ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿੱਠੇ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਏ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਭੈਣ ਹੱਥ ਚ ਰਸੀਆਂ ਗਲ ਚ ਰਸੀਆਂ ਮੈਲ ਲਿਬਾਸ ਕੰਨ ਚ ਖੂਨ ਪਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਲੈ ਰੱਤ ਵੱਧ ਪਈਏ ਬਾਕਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਔਖਾ ਭੈਣ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਝੁਕਈ ਮਾਸੂਮਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਏ ਔਖੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੀਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਸ ਪਈਆਂ ਤੁਰ ਤੁਰ ਫਿਰਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਖੜੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾਦ ਫਿਰਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈਆ ਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਫਾ ਦਰਾਵਾਂ ਨੌਕਰ ਜੋ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਖੜੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾਦ ਫਿਰਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਫਾ ਦਰਾਵਾਂ ਲੱਖ ਦਫਾ ਦਰਾਵਾਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਫਿਰਾ ਓ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈਆ ਨਿਰਵਾਰ ਕੋ ਕਿਤਨੀ ਹਾਇਓ ਦੇਰੇ ਪੁੱਛ ਸਿਮਰ ਕੋਲੂ ਮੈਂ ਬਹਦੀਆ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਕਰੇ ਨਿਲ ਪੈਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਦੀ ਰੱਥ ਵੱਧ ਪਈਏ ਭੈਣ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਬਾਈ ਪਾਈਏ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦੇਖਿਆ ਬਾਕਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਵੇਖ ਇਨਾਮ ਅਜਾ ਤਕਸੀਮ ਭੈਣ